guided. We have helped them progress. And seen them accomplish wonders. Throughout the years, we have never interfered. Until now. Thank you for this. Oh, you're welcome. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली इटर्नल्स का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर के विजुअल्स जैसे कि हम देख सकते हैं काफी ज्यादा ऑसम है। ये वीडियो इनिशियल इंप्रेशंस की वीडियो है, ब्रेकडाउन की वीडियो नहीं है। फुल डिटेल ब्रेकडाउन कल आपको देखने को मिल जाएगा 3 से 4 बजे तक। तो अगर हम बात करें ब्रीफली ट्रेलर के बारे में, तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि जो इटर्नल्स हैं वो लीड करने वाले हैं ह्यूमैनिटी को डिफरेंट टाइम्स में। उन्होंने आज तक ह्यूमैनिटी के जो अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन वो ह्यूमैनिटी को लीड जरूर कर रहे थे बैक ग्राउंड में। हम इस शॉट में देख सकते हैं एक इटर्नल को लिटरली जमीन से पौधा उगाते हुए। वो ह्यूमंस को सिखा रहे हैं कि किस तरह से पौधे या फिर गंदम उगाई जाती है उसको पानी देकर। तो मार्वल स्टूडियोज अपेरेंटली फेज 4 में सारे के सारे जो ह्यूमैनिटी के गैप्स हैं उनको फिल कर रहा है। लोकी के शो के ट्रेलर में जैसा कि हमने देखा था कि लोकी प्ले करने वाला है डीबी कूपर का रोल ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में। मार्वल यूनिवर्स में लोकी या डीबी कूपर और वो लेकर भागा था वो सारे के सारे नोट उस जहाज से। बीच में उसको हाइमडाल ने टेलीपोर्ट कर लिया वापस एस्गार्ड और कुछ नोट गिर गए वापस अर्थ पर। मिस्ट्री डीबी कूपर की मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से डीबी कूपर एक ह्यूमन था जो कि लेकर भागा था कुछ नोट और उसने जहाज को पूरा का पूरा हाईजैक किया था। मिड फ्लाइट में उसने जहाज से जंप मार दी और जो नोट उसके पास थे वो स्पेसिफिकली मार्क हुए हुए थे। वो नोट बाद में मिले थे एक रिवर बैंक के करीब और डीबी कूपर का कुछ भी नहीं पता था। बाकी नोट कहाँ गए इस बात का आज तक किसी को भी नहीं पता। तो एग्जैक्टली यही डीबी कूपर का रोल प्ले कर रहा है लोकी अपने शो में और लोकी खुद बनने वाला डीबी कूपर। और ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में ये भी एक तरह से मिस्ट्री है कि ह्यूमैनिटी को क्रॉप्स ग्रो करना किसने सिखाई। रिसर्चर्स इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ह्यूमैनिटी ने पहली बार जो क्रॉप्स ग्रो की थी वो थी ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले। लेकिन अब एक न्यू रिसर्च के मुताबिक जो पहली क्रॉप थी वो 12,000 साल पहले नहीं बल्कि 23,000 साल पहले ग्रो की गई थी। तो ये भी एक तरह की मिस्ट्री है जो कि ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। और मार्वल स्टूडियोज इस गैप को फिल कर रहा है इटर्नल्स के थ्रू कि किस तरह से इटर्नल्स ने सिखाया था ह्यूमैनिटी को क्रॉप्स भी ग्रो करना। इसके अलावा अपेरेंटली जो पहला चाकू था वो भी इटर्नल्स ने दिया था ह्यूमंस को। ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन ईयर्स पहले अर्ली ह्यूमंस ने यूज करना स्टार्ट किया था नाइफ को। तो अपेरेंटली ये सीन एग्जिस्ट करता है 2.5 मिलियन ईयर्स पहले। इसके अलावा इटर्नल्स ने सिखाया ह्यूमंस को इवन कासल्स बनाना और मे बी आपस में वॉर करना भी। तो वॉइस ओवर के मुताबिक इवन दो इटर्नल्स ने सब कुछ ह्यूमंस को सिखाया लेकिन उन्होंने आज तक जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है उनमें इंटरफेयर नहीं किया। वो बैकग्राउंड में थे और छुपे हुए थे। और टीजर के एंड में जैसे कि हम देख सकते हैं कि इटर्नल्स को इस बात का आइडिया है कि एग्जैक्टली ह्यूमंस कौन है, स्टीव रॉजर्स कौन है और आयरन मैन कौन है, ये बात भी इटर्नल्स जानते हैं। और उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि स्टीव रॉजर्स और आयरन मैन के जाने के बाद अब एवेंजर्स को लीड कौन करने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था मेरा इनिशियल इंप्रेशन इटर्नल्स के टीजर का। तो मिलते हैं आपसे फुल ब्रेकडाउन वाली वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी।